हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा खास। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर चाहते हो कि आप भी एक गाना बनाए, आप भी अगर गाने का शौक रखते हो तो आप भी कैसे गाना बना सकते हो। अगर सिंगर का शौक है तो आपको होता ही वो, आप मैं भी गाना बनाऊं, वो भी स्टूडियो में, और उसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तभी आप स्टूडियो जाओगे। वेब म्यूजिक में भी जाके आप गाना गा सकते हो, आपके पास अगर पैसा है, पैसा है तो जा सकते हो। लेकिन पैसा नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, और उसके बाद भी चाहते हो कि स्टूडियो जैसे हमारा गाना बने, तो जैसे कि हमने बनाए हैं पिछले वीडियो में आपको बताइए दही चूड़ा पे, तो वो मोबाइल से ही सब कुछ हुआ है, मोबाइल से ही वॉइस रिकॉर्डिंग सारा कुछ मोबाइल से ही हुआ है। तो वो कैसे किया जाता है, तो उसी के रिलेटेड आप लोगों का काफी सारे कमेंट था, तो मैंने सोचा इस पे एक खास वीडियो बनाते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे मैंने मोबाइल से बनाए। तो मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है, तो वो खासकर कंप्यूटर के लिए एप्लीकेशन है, लेकिन मोबाइल के लिए भी अलग से आया है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है पबजी एक बड़ा एप्लीकेशन है और उसके छोटा पबजी मोबाइल लाइट, तो उसी तरह से कंप्यूटर के लिए ये एप्लीकेशन है FL स्टूडियो, कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर FL स्टूडियो। तो इनसे क्या होता है कि कोई सा भी गाना का रिमिक्स बनाया जाता है, अक्सर इस पे रिमिक्स बनाया जाता है, आप म्यूजिक भी बना सकते हो इस पे, लेकिन इस अक्सर गाना का रिमिक्स बनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि डीजे चैनल का काफी सारे चैनल था कुछ दिन पहले, लेकिन अब बंद हो गया, इसीलिए क्योंकि यूट्यूब ने उसका डिमोनेटाइज कर दिया, क्योंकि उसमें गाना यूज होता है और वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो इसीलिए यूट्यूब ने उसको डिमोनेटाइज कर दिया। आरो को अब डीजे चैनल बहुत ही ज्यादा कम मिलता होगा, तो फ्रेंड्स इसीलिए, नहीं तो FL स्टूडियो को आपको एडिटिंग वगैरह कैसे कैसे किया जाता है आप लोगों को यूट्यूब पे काफी सारे मिल जाएंगे। पहले वही चलता था FL स्टूडियो। तो फ्रेंड्स उस पे एक कंप्यूटर के लिए है और एक मोबाइल के लिए एप्लीकेशन अलग से है, तो मोबाइल के लिए है, उससे से ही हमने सब कुछ किया था, रिकॉर्डिंग गाना को, एडिटिंग कैसे कहाँ बैठेगा, वॉइस में क्या इफेक्ट लगेगा, तो सब कुछ हमने उसी से किया था। तो फ्रेंड्स आप अगर प्ले स्टोर से सर्च करते हो तो उसमें कितना रुपया में मिले, वो एप्लीकेशन एकदम फ्री नहीं है, उसमें 600-700 करीब, पहले था 1000 रुपया, लेकिन अब कम हो गया है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। फ्रेंड्स एक फ्री FL स्टूडियो का लिंक दूंगा जो कि सभी के मोबाइल में सपोर्ट होगा, तो वो देंगे, लेकिन इस वीडियो को आप लोगों को करना है 100 लाइक अगर कंप्लीट कर दी, तो फ्रेंड्स हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, और उसको कैसे चलाया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है, सब कुछ फुल ट्यूटोरियल लेके आएंगे, लेकिन आप लोगों को इस वीडियो पे 100 लाइक कर देना है। तो उसमें क्या होता है, हमने कोई माइक भी अलग से नहीं खरीदा है, माइक का हमने क्या किया था वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कि जो एयरफोन होता है सैमसंग का, उसपे क्या बोलते हैं उसको, पुलपुलिया टाइप के रहता है, सीट के कवर में आता है, उसको कट करके कुछ इस तरह से हमने माइक जैसे बना लिया, जिसमें क्या होता है बैकग्राउंड नॉइज को कैंसिलेशन करता है, तो ये जरूरी है, तो इसलिए हमने ये किया। लेकिन हमने ये माइक खरीदे, तो फिर सामने ये लोकल वाला माइक जो होता है 200-250 वो भी खरीदे थे, लेकिन उसमें से ज्यादा बेटर था ये सैमसंग वाला में जो हमने बनाए थे। आप भी इसी तरह से बना सकते हो आप अपने सैमसंग के एयरफोन से, और फिर उसके बाद सैमसंग का एयरफोन में आप वो कान में सुनने वाला होता है, वो आपको कट भी नहीं करना है, क्योंकि आप स्टूडियो वक्त गाना प्ले करते हो तो एक कान में सुनाई भी देना चाहिए, तभी आप गाओगे उसके साथ साथ, यानी म्यूजिक के साथ साथ। फ्रेंड्स जैसे आप लोगों को पता है कि स्टार मेकर ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिसपे आप गाना गा सकते हो, लेकिन आपको इसी इस स्टूडियो में भी इसी तरह से करना होता है। और फ्रेंड्स म्यूजिक ट्रैक की बात करें तो आप जो गाना बन चुका है उसका म्यूजिक ट्रैक लेना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे सर्च करोगे तो काफी सारे मिल जाएंगे। अगर नहीं मिला फ्रेंड्स आप ढूंढ लीजिए पहले अच्छे से, अगर नहीं मिला तो जो रिमिक्स बनाते हैं उससे आप मंगवा सकते हो, यानी तो आप खुद भी अगर आपको FL स्टूडियो चलाना आता है तो आप भी किसी सॉन्ग का म्यूजिक कट कर सकते हो। तो इस पे बहुत सारे वीडियो हम लाएंगे जो कि खास बताएंगे कैसे कैसे किया जाता है। और अगर नए ट्रैक फ्रेंड्स आपको चाहिए तो वो भी आपको म्यूजिक स्पेशलिस्ट से मंगवाना होगा, जैसे स्टूडियो जो वगैरह होता है उनसे आपको म्यूजिक बनवाना होगा, तो इसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो इसीलिए मैं बताऊंगा जो गाना बन चुका है उस पे ही बनाइए, जैसे हमने बनाया था दही चूड़ा खाएंगे तो ये खेसारी लाल ने बना दिया था, तो इसीलिए कॉपीराइट क्लेम आ गया, और क्लेम आ जाएगा फ्रेंड्स तो आप लोगों का चैनल ग्रो भी कर गया तो कोई फायदा नहीं होने वाला। फ्रेंड्स अगर आप ज्यादा ग्रो कर गए तब फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा या आप दूसरा चैनल खोलेंगे
फ्रेंड्स आप हिट हो जाओगे तो दूसरा चैनल खोलोगे तो उस पे ज्यादा तुरंत सब्सक्राइबर आ जाएगा, या नहीं तो आपका आपका अगर आवाज अच्छा होगा तो आप आगे और प्रोसेस कर सकते हो, तो सोच भी नहीं सकते क्या क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, सिंपल था। तो आप लोग इस वीडियो पे 100 लाइक कर देते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और फुल ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।